ये मूवी आपका दिमाग लाकर रख देगी और सोचने पे मजबूर कर देगी कि कौन है असली किलर। ये मूवी लास्ट तक आपको बांधे रखेगी। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है एलेक्स नाम का राइटर और बिजनेसमैन जिसने एक डार्क सीरियल किलर की नोवेल लिखी थी। वो एक अर्चना नाम की लड़की को डेट कर रहा था लेकिन अर्चना काफी बिजी रहती थी अपने काम की वजह से, इसीलिए दोनों ब्रेक लेके कहीं घूमने का डिसाइड करते हैं। अर्चना कहती है वो बिना फोन और इंटरनेट के एक हफ्ता एंजॉय करना चाहती है। एलेक्स भी कहता है उसे एक सरप्राइज देना है। दोनों कार से जाते हैं, कार बीच में खराब होती है, बाहर बारिश हो रही थी। वो एक घर देखते हैं, वहां जाते हैं। एलेक्स डोर नॉक करता है, कोई नहीं आ रहा था। वो की होल से जागता है, तभी उन्हीं नाम का आदमी बाहर आता है। वो दोनों को घूर के देखता है। अर्चना कहती है उसे कॉल करनी है, वो फोन मांगती है। उन्हीं कहता है वो फोन नहीं रखता। अर्चना कहती है लैंडलाइन? उन्हीं कहता है खुद ही चेक कर लो। और अर्चना घर के अंदर जाकर लैंडलाइन चेक करती है, कॉल नहीं लग रही थी। अर्चना कहती है क्या वो यहाँ रुक सकती है बारिश खत्म होने तक? उन्हीं मानता है। अर्चना सवाल पर सवाल पूछती है कि वो फ़ोन क्यों नहीं करता, और फोट वाली लेडी के बारे में भी वो पूछती है। उन्हीं बताता है कि उसने एक बार फ़ोन लिया था लेकिन उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, और फोट वाली लेडी उसकी माँ है। और अर्चना और भी सवाल पूछने वाले थे लेकिन उन्हीं रोकता है और कहता है रुको, ये मेरा घर है, अब मैं सवाल पूछूंगा। वो कहता है लगता है तुम दोनों कुछ ही महीनों से डेट कर रहे हो। अर्चना बताती है वो 3 महीनों से डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। अर्चना बताती है वो अकेला है, और एलेक्स बताता है वो राइटर और बिजनेसमैन है। उन्हें पूछता है कौन सी बुक लिखी है फिर? एलेक्स बताता है सीरियल किलर पे एक बुक लिखी है। वो बुक का नाम बताता है। उन्हें हंसता है और वो बुक लेकर आता है। एलेक्स हैरान होता है, उन्हीं ने वो बुक पढ़ रखी थी। एलेक्स पूछता सो बुक के बारे में क्या राय है? उन्हें कहता मत पूछो, बहुत बुरी राय है। एलेक्स हैरान होता है और कहता है क्यों? उन्हें कहता तुमने ये रियल इंसिडेंट पे स्टोरी लिखी थी है ना, जिसमें इसने 6 लड़कियों को मारा था। एलेक्स कहता 6 नहीं 5। उन्हें कहता तुमने मोटिव क्लियर नहीं करा कि वो क्यों मार रहा है, इसलिए मुझे बुक पसंद नहीं आई। एलेक्स कहता ये साइकोलॉजिकल बुक नहीं है, क्राइम थ्रिलर है। सीरियल किलर लड़कियों को तड़पा के मारता था उन्हें गंजा करके, इससे पता चलता है वो पूरी औरत जहाज से बदला लेना चाहता था। उन्हें कहता तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्या पता बस उसकी जिज्ञासा हो औरतों को जानने की। एलेक्स कहता जिज्ञासा में इतनी बुरी तरीके से नहीं मारेगा, इसकी पक्का इंसल्ट ही होगी या कुछ ऐसा जिससे औरतों से नफरत करने लगा हो, मैंने इस केस पे बहुत रिसर्च करी है। अर्चना बोलती है इस बुक के बारे में छोड़िए, अपने बारे में बताइए। तभी लाइट जाती है और उन्हीं कैंडल जलाता है और कहता है मुझे अंधेरे से डर लगता है। एलेक्स कहता है इलेक्ट्रिक स्विच में दिक्कत होगी। मेन स्विच कहाँ है? उन्हीं बताता है मुझे नहीं पता, नौकर सारा काम करते हैं। उन्हीं और एलेक्स जाते हैं ढूंढने। वो एक बड़ी सुरंग टाइप जगह जाते हैं जहाँ उन्हीं का पैर फिसलता और हमें एक लड़की दिखती है लटकी हुई, और उसके बाल कट रखे थे जैसे एलेक्स की बुक में लिखा था, और सीन शिफ्ट होता है। एलेक्स उन्हीं को घसीट के लाता है, वो डरा हुआ था। वो कुछ ढूंढने लगता है, उन्हीं बेहोश। अर्चना डरती है, उसने गोली चलाने की आवाज़ सुनी थी और एलेक्स के पास गन थी, वो डरती है। एलेक्स डरते हुए कहता है यही सीरियल किलर है जिसके ऊपर मैंने बुक लिखी थी। अर्चना डरती है, उन्हीं को होश आता है। वो डरते हुए एलेक्स से कहता है सर मैं यहाँ से चले जाऊँगा, किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अर्चना हैरान होती है, उन्हीं कहता है यही असली खूनी है, मैं तो बस चोर हूँ, यहाँ चोरी करने आया था। एलेक्स कहता है ये झूठ बोल रहा है। उन्हीं कहता है अब जल्दी फ़ोन करके पुलिस को बुलाइए, लैंडलाइन का स्विच निकला हुआ है बस। अर्चना को समझ नहीं आ रहा था, वो लैंडलाइन से फ़ोन करने लगती है पुलिस को। एलेक्स रोकता है और कहता है तुम पुलिस को फ़ोन नहीं करोगी? अर्चना डरती है और उन्हीं कहता है यही असली किलर है। एलेक्स गुस्से में उन्हीं को चुप रहने के लिए कहता है, और अर्चना को रूम में ले जाता है और कहता है ये घर मेरा है और मैं तुम्हें यहाँ सरप्राइज देने लाया था, और अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो मैं फंसूंगा, प्लीज़ मेरा यकीन करो। अर्चना डरती है, एलेक्स भरोसे के लिए गन देता है। अर्चना कहती है अगर तुम सच कह रहे हो तो तुमने इसे देखते ही क्यों नहीं बताया? एलेक्स कहता है मैं हैरान हुआ था, मैं देखना चाह रहा था ये क्या करता है, मुझे लगा मुझे नई स्टोरी मिल जाएगी लेकिन ये तो सीरियल किलर निकला। उन्हीं कहता है ये झूठ कह रहा है, ये सबूत मिटा रहा है। एलेक्स कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। एलेक्स अर्चना को समझाता है और कहता है मैं फंस जाऊंगा, मेरा यकीन करो, तुम ही मेरी उम्मीद हो, यही असली किलर है, मैं अभी सच निकलवाता हूँ। वो उन्हीं को बैठाता है और अपना फ़ोन निकालता है। अर्चना हैरान होती है और डरते हुए कहती है तुम्हारे पास फ़ोन था लेकिन हमने मना किया था ना कि हम नहीं लाएंगे, और अगर तुम्हारे पास फ़ोन था तो तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? उन्हीं कहता है ये आपको यहाँ मारने लाया था दीदी, मेरे यकीन करो। एलेक्स कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, अलार्म के लिए फ़ोन लाया था, और प्रपोजिंग रिंग भी दिखाता है। उन्हीं कहता है ये झूठ बोल रहा है, ये मारना चाहता है आपको दीदी, और मुझे भी मार देगा। एलेक्स डर के मारे उन्हीं को मारने लगता है, फ़ोन में रिकॉर्ड करवाता और कहता है बता तूने सबको मारा है। वो जानबूझ के उससे बुलवाना चाह रहा था। अर्चना भी डरी हुई थी, उससे भी एलेक्स पे शक था। एलेक्स गुस्से में कहता है इससे पूछो अगर ये चोर है तो चोरी क्यों नहीं की इसने? उन्हीं एलेक्स को देखता है और डरते हुए कहता है मैं आपको नहीं बता सकता, पुलिस को बुलाओ, मैं उन्हें सच बता दूंगा। एलेक्स कहता है ये मुझे फंसाना चाहता है। अर्चना कहती है ये पुलिस बुलाने के लिए तैयार है, तुम क्यों मना कर रहे हो? एलेक्स कहता है
पुलिस मुझे किलर समझ लेगी ना, अर्चना बहुत बार पूछती है। उन्हीं एक बॉक्स खुलवाता है, उसमें बहुत सारे रिंग्स थी। अर्चना डरती है, उन्हीं कहता है ये आपको यहाँ मारने लाया था दीदी। एलेक्स डरते हुए कहता है ये मुझे फंसाना चाह रहा है। अर्चना पूछती है सच बताओ वहाँ क्या हुआ था। एलेक्स सच बताता है, जब वो मेन स्विच ऑन करने गया था तो उन्हीं उस पर गिरा और लाइट उस लड़की पर पड़ी और एलेक्स डर गया था। उन्हीं लड़की को शूट करता है, फिर वो एलेक्स को मारने के लिए पड़ता है, लेकिन एलेक्स उसके सर पर मार के उसे बेहोश करता है। उन्हीं कहता है ये झूठ है, वो अपना सच बताता। जब एलेक्स लाइट ऑन करता है तो उन्हीं लड़की की लाश देखता है, वो भागने की कोशिश करता है लेकिन एलेक्स उसे पकड़ देता है। अर्चना को समझ नहीं आ रहा था वो किस पे यकीन करे। उन्हीं कहता है क्या पता वो लड़की अभी भी जिंदा हो। एलेक्स भागते हुए जाता है, उन्हीं अर्चना को कहता है दीदी जल्दी चलो ये उसे मार देगा। अर्चना और उन्हीं जल्दी जाते हैं। एलेक्स उदास होकर कहता है ये अभी मरी है। उन्हीं कहता है अब तो आपको यकीन हुआ ना। एलेक्स कहता है ये मुझे फंसा रहा है, यही किलर है। अर्चना लाश देख कर डरी हुई थी। एलेक्स उन्हीं को मार रहा था सच बताने के लिए। एलेक्स कहता है अगर मैं खूनी होता तो मेरे पास गन थी, मैं कभी भी तुम दोनों को मार सकता था। उन्हीं कहता है ये सिर्फ औरतों को मारता है। एलेक्स कहता है ये झूठ है, मैं तुझे मार के दिखाऊं क्या। अर्चना ऑर्डर जाती है। एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अर्चना उस पर यकीन नहीं कर रही थी। वो गन दिखा के अर्चना को रूम में बंद करता है और लड़की क्लास को गाड़ता है और अर्चना पुलिस को फ़ोन करती है। एलेक्स आता है और कहता है उन्हीं ही किलर है, मेरा यकीन करो। अर्चना को सच पता चल गया था कि एलेक्स ही खूनी है, वो उसे शूट करके मारती है। एलेक्स मरते हुए उसके पास आता और कहता है भाग जाओ यहाँ से। उन्हीं अर्चना के हाथ से एक बार ट्रिगर दबाता और उन्हें कहता है मैं ही एलेक्स का असली सच हूँ। और लास्ट में हमें पता चलता है पुलिस को एलेक्स और अर्चना और उस लड़की की लाश मिलती है और उन्हें ही असली किलर था जो भाग गया था। अगर आपको हमारी मूवी पसंद है तो मूवी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।